दादी भीख मांगने को क्यों बोलते थे? आप नहीं बोलते थे कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है? हम कहती है दादी कहती घर जब भीख नहीं मांगोगे फिर घर में नहीं आने, घर में नहीं आने दूंगी। दादी कहती थी आपने क्या करना, आप घर का काम करो, सिर्फ बर्तन मांजो, करो सब्जी लगाओ, मंदिर में जाओ, उधर से भीख मांगने। दादी भीख मांगने को क्यों बोलते थे? आप नहीं बोलते थे कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है? हम कहती है दादी कहती घर जब भीख नहीं मांगोगे फिर घर में नहीं आने, घर में नहीं आने दूंगी। थी जिसमें आप गए थे, कौन सी क्लास में जाते थे आप पढ़ने स्कूल में, जब दादी आपको मना नहीं करती थी? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद से आप स्कूल अच्छी तरह जा नहीं पाए? नहीं, मैं फर्स्ट पास हुई थी, सेकंड में लगना था फिर दादी ने भेजा नहीं। दादी कह रही थी आपने क्या करना, आप घर का काम करो। कहते हैं ना एक माँ की कमी तब महसूस होती है जब माँ हमारे साथ में नहीं होती है। कुछ बच्चे इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, इनकी माँ इनके बीच में नहीं है, पर माँ ना होने की वजह से इनको क्या क्या सहना नहीं पड़ा है। दुनियादारी तब समझ में आती है जब माँ नहीं होती है, ये शायद किसी ने कहा तो बिल्कुल सही ही कहा है। आज इनके साथ जो जो हो रहा है, लास्ट में इनको पुलिस चौकी तक पहुँचना पड़ा है। सोचिए किस हाल में होंगे ये, किस हालात से गुजर रहे होंगे ये, इस समय क्या बीत रही है इन पर, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे अपना नाम बताओ। प्रिया। प्रिया आप पूरा दिन क्या करते हो और क्या क्या पहले करते थे? दादी आपके साथ कैसे बात करती थी? आप दादी के साथ रहते थे या किसके साथ में रहते थे? दादी के साथ। दादी के साथ रहते थे। दादी क्या कहते थे करने को? दादी कह रहे थे बर्तन मांजो, करो सब्जी लगाओ, मंदिर में जाओ, उधर से भीख मांगने। दादी भीख मांगने को क्यों बोलते थे? आप नहीं बोलते थे कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है? हम कहती है दादी कहती घर जब भीख नहीं मांगोगे फिर घर में नहीं आने, घर में नहीं आने दूंगी। तब तब गुस्सा नहीं आता था? आता है। फिर क्या बोलते थे आप? हमने कहा ना हमने नहीं जाना, दादी कहती नहीं जाना तो फिर आप इधर खाना नहीं खाओगे। तो खाना खाना वैसे कौन बनाता था? भैया। भैया खाना बनाते थे। दादी ने कभी खाना बना के खिलाया? नहीं। दादी ने कभी खाना बना के नहीं खिलाया? नहीं। अच्छा आपको स्कूल कभी भेजा दादी ने कि जाओ बच्चे जाके पढ़ लो, क्योंकि आपको तो पढ़ना है क्योंकि अभी तो बहुत छोटे हो? नहीं। कभी नहीं भेजा? नहीं। क्या बोलते थे, क्यों नहीं भेजते थे? दादी कह रहे आपने क्या करना, पढ़ के आप काम करो घर का। दादी कहते थे आपने क्या करना, पढ़ के आप घर में घर का काम करो। तो आप घर में क्या क्या काम करते थे? झाड़ू पोछा, कपड़े कपड़े धोना और बर्तन धोना। मतलब आपको घर के सारे काम आते हैं? हाँ। अच्छा पढ़ाई में क्या क्या आता है? पढ़ाई में क्या क्या आता है? हाँ पढ़ाई में क्या क्या आता है? अच्छा स्कूल लास्ट क्लास कौन सी थी जिसमें आप गए थे, कौन सी क्लास में जाते थे आप पढ़ने स्कूल में, जब दादी आपको मना नहीं करती थी? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद से आप स्कूल अच्छी तरह जा नहीं पाए? नहीं, मैं फर्स्ट पास हुई थी, सेकंड में लगना था फिर दादी ने भेजा नहीं। दादी कह रही थी आपने क्या करना, आप घर का काम करो। मैं पहली क्लास में थी और पहली क्लास के बाद शायद स्कूल जाना चाहती थी पर स्कूल जा नहीं पाती थी, घर का काम करना पड़ता था। अच्छा कितना दिन का खर्चा करके लाते थे, मतलब कितना फिर आपको वहाँ से मंदिर से मिलता था आपको जब आप लाते थे, तो फिर वो पैसे कभी आपको देती थी मम्मा या दादी? कभी आपको पैसे देती थी? नहीं देती थी। दादी मम्मा ने कभी नहीं बोला कि अगर तुम पूरा दिन वहाँ पर बैठी हो तुम भी कुछ ले लो? नहीं। क्यों? क्या बता। तो फिर पूरा दिन वहाँ पे होते थे? रात शाम को आना 4 बजे, फिर 12 बजे घर में आना मुझे। रात को 12 बजे? 4 बजे से रात को 12 बजे तक हम वहीं बैठते थे। हाँ। तो कितने पैसा लेके आते थे आपको पता है कभी? नहीं। तो जितना पैसा होता था सारा दादी को लाके देते थे? हाँ। दादी भी साथ में ही बैठती थी। अच्छा दादी साथ में बैठती थी। हाँ। दादी को साथ में बैठाना, चलिए दादी जो कर रही हैं करने दीजिए, हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले, पर एक बच्चा जो कि बहुत छोटा है जो कि पढ़ना चाहता है, आप उसको पढ़ाई के अलावा अगर इस तरह से काम में डाल रहे हैं
सोचिए आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। इनका एक भाई भी मेरे साथ में मौजूद है, उसका नाम भी जान लेते हैं और उसके साथ क्या हो रहा है अब वो जानते। बच्चे आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू सोनू क्या होता था पूरे दिन, क्या करते थे? क्योंकि इनको तो भेज देते थे ना, आप क्या करते थे? कुछ नहीं, उनको घर पे रोटी बनाते थे और रेड़ी रूड़ी लगाने के लिए बोलते थे सब्जी की। तो वो रेड़ी से जो सामान आता था वो सामान कहाँ से आता था? मंडी जाते थे, सुबह 6 बजे जाना मंडी से सब्जी लाने, फिर उसके बाद रेडी लगाने, रेडी की फेरी फूरी लगा के शाम को घर पे आके जितने पैसे बनते थे सारे दादी को देने, फिर सुबह से फिर से वही। तो आपको खाने को कौन देता था, खाने को कहाँ से मिलता था? खाने को दादी राशन ले आती थी, रोटी राटी बनानी, मैं ही बनाता था रोटी और सब कपड़े कुपड़े धोता था बर्तन भी। कौन सी क्लास में थे जब आप लास्ट स्कूल में जाते थे और आपको मज़ा आता था वहाँ पे पढ़ने का? तब सिक्स्थ में। सिक्स्थ में आप स्कूल जाते थे? हाँ, सिक्स के बाद दादी ने छुड़वा दिया था, बोलते क्या करना पड़ गया अब काम करो आप। क्लास में कौन सा रोल नंबर होता था आपका? 24। पढ़ाई में मन लगता था? हाँ। मन करता था पढ़ने का? हाँ। क्या बनने का मन करता था? पढ़ के हैं, पढ़ने में मन बहुत करता था। हाँ। लेकिन दादी पढ़ने नहीं देती थी, बोलती क्या करना पड़ के, ना स्कूल का काम करने देती, जब काम करने बैठता कभी बोलती ये कर ये कर बर्तन साफ कर, फिर बस काम करने नहीं देती थी। तो आपने कभी बोला नहीं दादी को कि दादी ये चीज़ तो गलत है, मेरे को पढ़ना है, मेरा मन करता है पढ़ने का? बोलते थे लेकिन कुछ नहीं करती थी, उसके मारती थी इनको, मेरे भाई बहन को मारती थी, वो काम नहीं करते थे कभी झाड़ू से कभी तारों से, जब मैंने बोलना मेरे को ही गाली निकालती थी, मम्मी के बारे में गंदी गंदी गाली निकालती थी। जब मम्मा की डेथ हुई थी आप कितने साल के थे? तब 11 साल का था। तो आपको पता चला था कि मम्मा की डेथ कैसे हुई थी? हाँ। कैसे हुई थी? हम मैं दादी के साथ इंदौर गया था, वहाँ से आए तो घर पे थे, मम्मा ने चिकन बनाया था। हाँ, वो कहीं गए दादी, वो पता नहीं क्या, पापा आए, पापा बोल मम्मा बोलते घर पे क्यों नहीं थे, हाँ घर पे आए नहीं आप इतने दिन के, उसी दिन पापा आए थे। फिर पापा आए, कुछ बोला, छोटी बहन है मेरी वो बूजी के पास है, उसको लेने के लिए बोला, बोलते दिखा, फिर मम्मा ने दी, उधर से दादी आई, बोलती दादी ने गाली निकालने लग पड़ी पापा को, बोलती इतने दिन के बाद आ गया तू, है ये है वो, शराब पी के आ गया, मम्मा को भी गाली पड़ी, मम्मा को भी मारा, फिर मम्मा ने दवाई पी ली थी। इतना टॉर्चर किया जाता था कि लास्ट में माँ ने तो अपनी जान ले ली पर 4 बच्चे अपने पीछे छोड़ गई। उनमें से 3 बच्चे मेरे साथ में हैं जो इस समय मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, एक बच्चा जो है वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि उनको कोई पाल रहा है, क्योंकि उस समय वो सिर्फ 6 महीने की थी जब उसकी मदर की डेथ हुई थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बच्ची जिसको तो यही नहीं पता है कि उसकी मदर दिखती कैसे थी, आज उसके बीच में नहीं है, उसको किस तरह से प्यार उसको मिला कभी अपनी माँ का या नहीं मिला वो ये बात का तो बिल्कुल भी उसको पता है ही नहीं है। आखिरकार इन बच्चों का अब कौन ध्यान रखेगा, इन बच्चों के साथ कौन चलेगा? पूरा परिवार साथ चलने को तैयार नहीं है क्योंकि पिता जो हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, जो पिता दिहाड़ी लगाते हैं जिस तरह से इन्होंने बोला भी, बीच में दारू भी चलती है, अब जब दारू चलेगी तो बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं अब बच्ची को तो ताई सोच रही है कि मैं अपने पास ले लेती हूँ ताकि बच्ची जो है वो पल जाए, पर 2 बच्चे जो 2 लड़के हैं इनको कौन पालेगा, किस तरह से इनकी पढ़ाई होगी, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान इन बच्चों के लिए खड़ा हो जाता है क्योंकि इन बच्चों का लिए आगे पूरी की पूरी ज़िंदगी पड़ी है और बच्चे बहुत छोटे हैं। अच्छा आप लास्ट में मैं आपसे पूछूं, बड़े होके क्या बनना है, कभी सोचा? नहीं सोचा? आपने कभी सोचा बड़े होके क्या बनना है, क्या सोचा? बड़े होके अच्छे काम करके अच्छे अच्छे पुलिस वाला बनना है। पुलिस वाला बनना है? अच्छा आपने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। ये हमारे अगर हम कहें इन तीनों में से शर्मीले सजन हैं जो कि बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, बट इनके साथ भी वही सब हो रहा था जो इनके बड़े भाई के साथ में हुआ है, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है और इन बच्चों की अब जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बच्चे आखिरकार पढ़ेंगे
तो कैसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर बनने की सोच रहा है, दूसरा पुलिस वाला बनने की सोच रहा है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।